Today we have with us pretty actress Lovey Sasan, also known as Paridhi from Nibhana, Saathiya, sharing her television journey. Hi, this is Lovey Sasan. Upcoming Feb mein main apne 3 saal complete kar lungi. And I started my journey with my first show, Kitni Mohabbat Hai Season 2, जिसमें मैं करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड बनी थी. देन आफ्टर दैट शो आई डिड बड़े अच्छे लगते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, अर्जुन, सावधान इंडिया एंड फ्यू मोर एपिसोडिक्स. देन आई गॉट द शो फॉर लाइफ ओके, कैसा ये इश्क है. आफ्टर डूइंग वन ईयर कैसा ये इश्क है, देन आई गॉट दिस शो साथ निभाना साथिया. कितनी मोहब्बत है सीज़न टू के लिए मैंने किया था. आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज मेरा फर्स्ट डे था सेट पर और मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और मैंने एक्टिंग सीखी नहीं हुई है, तो इसलिए आई वॉज लिटिल बिट स्केयर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हाउ टू फेस द कैमरा. मुझे कुछ पता नहीं था, बट जैसे सेट पर और लड़कियाँ कर रही थी, दूसरी लड़कियाँ, उनको देख कर मैंने अपना शॉट दिया और मैंने एक्टिंग कर ली. बहुत कुछ सीखा है और बहुत ज़्यादा मेरी ग्रोथ हुई है बिकॉज मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता था. मुझे कुछ नहीं पता था कि एक्टिंग करते कैसे हैं, कैमरा कैसे फेस करना है, लेफ्ट राइट लुक क्या होता है, ओएस क्या होता है, कॉम्पैक्ट क्या होता है, क्लोजेस क्या होते हैं. ये सब चीज़ें सीख सीख के कर करके एक्सपीरियंस हुआ मुझे और मैं सीखती गई. ही इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड करण. करण आई स्टिल रिमेंबर करण मुझे बोल रहा था पंजाबी में कि तू कर लेंगी पक्का, यू डोंट वरी, यू लुक गुड, तू कर लेगी, बस करती जा. वो मुझे समझा रहा था कि मुझे अपना सीन कैसे करना है और फिर मैंने कर लिया सीन. बिकॉज उस टाइम मैं ही, चार लड़कियाँ थी मेरे साथ, आई स्टिल रिमेंबर, हम चारों लड़कियों में से मैं ही सबसे ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मैंने उस आज से पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया था, फर्स्ट टाइम कर रही थी. तो देन करण की सपोर्ट मिली मुझे, डायरेक्टर वहाँ पे बहुत अच्छे थे बालाजी के, तो फिर मैंने कर लिया अपना सीन. नो नेवर नेवर. एक्टिंग के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम फैशन डिज़ाइनर. मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, मैंने ब्यूटिशियन का प्रोफेशनल लेवल पर कोर्स किया हुआ है, सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम फैशन डिज़ाइनर. बट बोलते हैं ना, अगर आपकी किस्मत में लिखा होता है वो ही आपको मिलता है, तो मेरी किस्मत में शायद एक्टिंग लिखी थी, तो इसलिए मैं एक्टर बनी. नहीं, बींग एन एक्टर जो आपका करेक्टर होता है, लाइक मैंने डिफरेंट करेक्टर्स प्ले किए हैं. कैसा ये इश्क है में आई वॉज प्लेइंग हरियाणवी गर्ल जो पढ़ी लिखी नहीं थी, घर में ही रहती थी और एक टिपिकल घर की लड़की थी जो घर से कभी बाहर निकली नहीं थी, तो वो एकदम ही डिफरेंट मेरे लिए था. व्हेन आई डिड कितनी मोहब्बत है, उसमें मैं एक्स गर्लफ्रेंड बनी थी. देन बड़े अच्छे में मेरा अलग करेक्टर था, अनामिका में मेरा अलग था. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर आई हैव प्लेड. तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप किस टाइप का करेक्टर प्ले कर रहे हैं. बींग एन एक्टर आई थिंक आप एक भिखारी भी बने हैं, आप एक राजा भी बने, वो आपको करना ही है वही फील के साथ कि अगर मेरी जगह कोई रियल में कोई मेड होती तो वो कैसे करती. तो मेरे लिए कोई भी रोल छोटा बड़ा नहीं रहा है आज तक. मैंने जस्ट फील किया है अपनी एक्टिंग और अच्छी तरह मन लगाकर 100% देकर अपना काम किया है. रानो कैसा ये इश्क की जो रानो थी, जो मेरा लास्ट शो था, वो इट वॉज समथिंग डिफरेंट क्योंकि वो हम नॉर्मल जब हिंदी बात करते हैं हर शो में, उसमें वो नहीं था. That was something different. उसमें मैं हरियाणवी में बात करती थी, तो it was very close to my heart. Even परिधि also. This is something different. परिधि के भी काफ़ी different variations हैं, different shades हैं. ये grey shade भी है परिधि का character. She is positive also, negative also, and there are lots of twists and turns in this character. It was good. मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये सब मैं face करूँगी in positive sense, because मैंने उसके लिए काफ़ी मेहनत की है. तो जब आपको पता ही होता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए, इतना struggle कर रहे हो, जब आपको वो चीज़ मिलती है तो उसकी खुशी कुछ और होती है. So I still remember मैंने काफ़ी auditions दी हैं तब जाके मुझे ये show मिला है, या जितने भी shows मिले हैं. मेहनत के बिना तो आपको उसका फल मिलता नहीं है. हर एक चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी होती है, देन उसका बाद में आपको उसका रिजल्ट मिलता है. हाँ, मैं अभी रिसेंटली सूरत गई थी, डांडिया के दिनों में मैं सूरत गई थी. तो मेरे साथ 100 बाउंसर्स थे, उसमें से 2-3 लड़की लड़के जंप मार के बीच में लाइन से घुस कर दे केम इनसाइड एंड उनको पिक्स चाहिए थी, ऑटोग्राफ चाहिए थे. तो काफ़ी उन्होंने धक्का मुक्की की एंड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि ऐसा कुछ होगा इतने क्राउड के बीच में और 100 बाउंसर्स को आप क्रॉस करके अंदर घुस रहे हो. That was little bit crazy something they did for me. I want to thank each and every single fan of mine. आप लोगों ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरी जर्नी में आप मेरा एक हिस्सा बनकर रहे हो मेरे साथ हमेशा. So please आगे भी मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा. I love you all. Thank you so much from the bottom of my heart. Hope you enjoyed the segment. We'll be back with more such segments. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Lovey Sasan. Please keep watching India Forums and please subscribe to WhatsApp TV.